ये कुछ अपना है 2003 का मॉडल और देख सकते हो आप गाड़ी की कंडीशन। और इसका कुछ 13 लीटर का कुछ फ्यूल टैंक आता है, 350 cc का इसका इंजन आता है और ये ड्रम ब्रेक वाला कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके रखा हुआ है अपने दोस्त ने। ये कुछ लेकर आफ्टर मार्केट है, इसका कुछ साइलेंसर आफ्टर मार्केट है और ये कुछ व्हील आप देख सकते हो, ये भी भाई ने कुछ आफ्टर मार्केट लगाई। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे। मैं आपका दोस्त शशि और आज अपने करने वाले बुलेट वर्सेस बुलेट। बुलेट अपने पास में 350 स्टैंडर्ड और सिग्नल 350 जो अब नया मॉडल है। तो चलिए आप ये दोनों को कंपेयर करते हैं और बताते। तो चलिए दोस्तों, आपको पहले अपने स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो आइए, कुछ इस तरीके का इसका ऑल ओवर व्यू है, तो आप देख सकते हो गाड़ी को। और ये कुछ अपना है 2003 का मॉडल और देख सकते हो आप गाड़ी की कंडीशन। और इसका कुछ 13 लीटर का कुछ फ्यूल टैंक आता है, 350 cc का इसका इंजन आता है और ये ड्रम ब्रेक वाली है अपनी, जो सादे लाइनर वाले जो होते हैं। और इसका आप इंजन देख सकते हो किस तरीके का है। और इसका जो ब्रेक होता है, ये होता है अपने उल्टे पैर वाली भी इसको बोला जाता है, ओल्ड मॉडल है। तो इसका पैर जो ब्रेक होता है वो अपने लेफ्ट पैर में होता है और गियर होते हैं वो राइट पैर में होते हैं। और कुछ इस तरीके का इसका सिस्टम है कि ये जो इसका स्विच है, यहाँ से आप गाड़ी दूसरे तीसरे कोई भी गियर में हो तो इस पर आप प्रेस करके पूरी गाड़ी को न्यूट्रल कर सकते हो। और ये इस तरीके का कुछ इसका गियर है, तो ये कुछ 4 गियर इसमें आते हैं टोटल। और देख सकते हो आप बाकी का गाड़ी का ऑल ओवर व्यू। दोस्तों इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, ये अपने फ्रेंड की है गाड़ी, तो इसमें भाई ने मैकव्हील वगैरह कुछ चेंज किए हुए हैं। इसका जो लेग गार्ड होता है वो भी भाई ने चेंज किया हुआ है और कुछ चेंज करवाया है। ये ग्रिल इसने आफ्टर मार्केट लगाई हुई है और ये भी कुछ इसने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ था भाई ने, कुछ फ्यूल का होता है ये। और चलिए इसको स्टार्ट करके आपको बताते हैं कि इसका साउंड कैसा है क्या है। और ये इसमें कोई सेल्फ स्टार्ट नहीं आता है, ये अपने को कीप से स्टार्ट करना पड़ती है। तो चलिए पहले इसको आप किस तरीके से स्टार्ट करते हो ये दोस्तों स्टार्ट करके आपको बताते हैं। तो इसमें पहले RPM सेट करना होता है, तो इसका जो प्रेशर पॉइंट है वो यहाँ पे आता है, देख सकते हो आप लेफ्ट साइड में। तो इसको अंदर के साइड में थोड़ा प्रेस करना होता है, बहुत ही स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो आप लोग। RPM इसका पहले थोड़ा सेट करना पड़ता है और देख सकते हो आप लोग। तो आइए आपको इसकी कुछ साउंड क्लियरिटी दिखाते हैं। चालू करके और इसका भी पूरा रिव्यू देता हूँ मैं आपको। तो आइए, ये है कुछ इसका फ्यूल टैंक, ये कुछ 13.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आता है। और अपनी जो बुलेट है ये डबल डिस्क ब्रेक में, और इसका 350 cc का इंजन आता है। और इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके रखा हुआ है अपने दोस्त ने। ये कुछ लेकर आफ्टर मार्केट है, इसका कुछ साइलेंसर आफ्टर मार्केट है और ये कुछ व्हील आप देख सकते हो, ये भी भाई ने कुछ आफ्टर मार्केट लगाई हुई है। तो ऑल ओवर मतलब बाहर से बहुत कुछ सामान इसमें लगा हुआ है। और चलिए इसको स्टार्ट करके बताते हैं आपको। तो कैसा लग रहा हो दोस्तों बताइए कमेंट में, ताकि मैं भी एक आध बुलेट ऐसी ले लूं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं किक से। हंसना मत। दोस्तों चलो करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है, ये जो एकदम सिंपल है, इसको लेके चलने का कुछ फील ही अलग होता है। तो इसको जो है अभी जो ऐसे शौक के लिए भी लोग रखते हैं, शौकिया लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये जो अपनी है ये अभी आर्मी वाले बंदों के लिए बनाई गई थी, जिसकी हाइट 5.5 प्लस होगी उसके लिए तो एकदम बेस्ट गाड़ी है ये। और बहुत स्मूथली चलती है, तो आपके हिसाब से आप सोच सकते हो कि कौन सी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर यंगस्टर है तो
में इसी पे जाना चाहिए। और फिर अगर शौक के लिए आप लेना चाहते हो तो फिर स्टैंडर्ड बहुत बेस्ट गाड़ी है, आप चलाओ, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। और इम्प्रेशन तो दोनों बुलेट पे तो जो इम्प्रेशन पड़ता है वो तो आपको पता ही है, और बुलेट तो बुलेट ही है, फिर वो जूनी हो या नहीं हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आप और किसी गाड़ी पे किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हो या फिर मैंने इसके बारे में फुल रिव्यू एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आपको अगर देखना हो तो आप पूरा इसका ऑल ओवर व्यू का अकेली गाड़ी का मैंने डाला हुआ है, तो आपको इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप उसमें जाके देख सकते हो। और इसका मैं अभी बनाने वाला हूँ, अगर आप कमेंट करोगे इसका आपको पूरा रिव्यू चाहिए, इसका आपको वीडियो अकेली का देखना हो तो आप कमेंट करना ज़रूर, मैं आपके लिए ज़रूर से बनाऊँगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।